दोस्तों देश में अब कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर कोई मुस्लिम गुनाह कर दे तो उसके घरों तक पर बुलडोजर चला दिया जाता है। वहीं अगर कोई हिंदू सड़क पर खुलेआम तलवारें या असलहे दिखाए तो कुछ नहीं होता, ना तो पुलिस कार्रवाई करती है और ना ही शासन की ओर से कोई कार्रवाई होती है। इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी दोस्तों सब जान जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। पिछले कई वीडियोस में दोस्तों आप देख चुके हैं कि किस तरह से मुस्लिमों को हिंदू संगठन के लोगों ने निशाना बनाया और उनके घरों को जमींदोज कर दिया, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों एक खबर के मुताबिक ये मामला मध्य प्रदेश के मंदसौर का है, जहां गरबा पंडाल पर पथराव कर अशांति फैलाने वाले तीन बदमाशों के आलीशान मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने दोस्तों ये बताया है कि रविवार की रात ग्राम सुरजनी में गरबा पंडाल पर कुछ बदमाशों ने पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं दोस्तों इस मामले में शिकायत मिलने के बाद FIR दर्ज की गई। उक्त मामले में जफर, हफीज और रईस का नाम सामने आया था। वहीं अब आप इस वीडियो को देखिए, जिसमें हिंदू संगठन के लोग सीधे तौर पर तलवारें और असलहे लहरा रहे हैं और इस मामले में कोई कुछ नहीं कह रहा, ना तो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और ना ही कोई बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस मामले में दोस्तों पत्रकार काविश अजीज ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में शस्त्र पूजा समारोह के बीच नृत्य करते हुए दर्जनों युवक अवैध रूप से बंदूक और तलवार लहराते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही एक मुसलमान करे तो आप जानते हैं पुलिस क्या करेगी। कानून सबके लिए अलग कब से हो गया है। वहीं दोस्तों एक और यूजर ने ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा है कि बेशर्मी देखो, ये शस्त्र पूजा दिख रही है, कहीं से पूजा करनी है तो अपने घर में करो, ये सड़कों पर तमाशा किस लिए। क्या हमें इजाजत है इस तरह अगर गोलियां तलवार लेके निकले शस्त्र पूजा के नाम पर? जवाब दीजिए। अब देश में कानून का मजाक किस तरह से उड़ाया जा रहा है आप भी देख सकते हैं। इस मामले में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।